भगवान राम दशरथ जी के कहने पर वन नहीं गए, आए, अरे आइए आगे आइए। भगवान राम कैकेयी जी के कहने पर वन नहीं गए, चौबे जी आगे आ जाए बैठे आप, तो गए किसके कहने पर? भगवान राम बन गए कौशल्या जी के कहने पर। ध्यान से सुनिएगा, मानसविद बैठे हैं हमारे तिवारी जी, आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी, मानस बहुत पढ़ते हैं। भगवान राम बन गए माता कौशल्या के करने पर। सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, बोली बचन धीर धरि भारी। कौशल्या ने कहा, यदि दशरथ जी ने जाने के लिए वन कहा है तो मैं कह रही हूं वन मत जाओ। क्यों? क्योंकि मां से बेसी नहीं, 10 गुना बाप से बेसी, 10 गुना मां का पुत्र पर अधिकार होता है, क्योंकि 9 महीने मां पालती है। अच्छा, भगवान राम ने कहा माता कैकेयी का आदेश है। अरे कैकेयी का आदेश और राम तुम यहां खड़े हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? माता कैकेयी ने तुमको बन जाने के लिए कह दिया, राम तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे धिक्कार है मेरी गोद को, राम तुम अभी चले जाओ जंगल, तुम्हें आराने की आवश्यकता नहीं, भारत की माता है, इसलिए मेरी मां ने मुझे कहा है। कौन? सुनीति ने कहा है, इसलिए मैं भगवान की उपासना करूंगा, कहां जाऊं? एक बात आपको निवेदन करूं, जिनको जिनको नारद जी मिलते हैं उनको उनको भगवान मिलते हैं। नारद जी ने कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि मंत्र महामनि विषय व्याल के अमेटत कठिन कुवंक भाल के। कितने लोग तो गुरुमुख हुए बिना ही मर जाते हैं, तो शास्त्र में लिखा है कि दीक्षा ही नम्र तो यस्य, जो दीक्षा लिए बिना मर जाता है वो अगले जन्म में पशु बनता है। अब कितना लोग जल्दी जल्दी गुरु खोज रहे हैं, गुरु जी नहीं मिल रहे हैं तो किसी को गुरु बना लेते हैं, लेकिन सबको गुरु बना लीजिए बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु होना चाहिए कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ऐसा गुरु जो चेला को डांट करके चुप रहो ये गलत काम कर रहे हो, इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में है। जिस समय कैकेयी उठा करके जानकी जी के हाथ में बलकल वस्त्र दे रही थी, वशिष्ठ ने कहा मैं स्कूल का गुरु हूं, अगर जानकी के हाथ में तुमने बलकल वस्त्र धराया तो अभी इस अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा गुरु हो, और ऐसा गुरु नहीं कि हर शिष्य धन शोक न हरई असो गुरु घोर नरक मह परई, खाली चेला से माल ऐंठ रहा है, हाँ अतवार सोमवार मंगल बुध शनिचर राहु के तू चढ़ा चढ़ा के नहीं। कैसा गुरु? जो सदगुरु वेद वचन विश्वासा। ये बात ध्यान से समझे, हम ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाए जिसके प्रति हमारी आस्था हो। अब हम भी वही कर रहे हैं, गुरु जी भी वही कर रहे हैं, तो फिर चेला में और गुरु में अंतर क्या हुआ? कम से कम गुरुजी के जाते ही चेला को ये भय हो जाए कि गुरुजी आए हैं, अब उनकी व्यवस्था थोड़ा ठीक ठाक करना होगा। अरे नहीं, चिंता मत करो गुरुजी, हमने में खा ले लो, हमने का खा लो, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए।